प्रशासन भ्रष्टाचार से लिप्त होते जा रहा है। भ्रष्टाचार की धीमक सरकारी कार्यों में फैलती जा रही है। सच्चाई को उजागर करने वाला आरटीआई अछूता नहीं रह पा रहा है। यह बात उस समय लोगों के समक्ष आई जब भ्रष्टाचार निवारण समिति महाराष्ट्र मुंबई के अध्यक्ष अनिल को इस बाबत कई शिकायत आई कि मतदान नोंदणी केंद्र में एक 45 वर्षीय महिला पद्मिनी नामक भ्रष्टाचार से लिप्त है। इसी संदर्भ में उन्होंने एक आरटीआई की अपील कर दी तो उन्हें भी यह महिला अपनी मनसा को बताने में देर नहीं लगाई, यानी कि सरकारी कागजात को जल्द से जल्द देने के लिए गैर कानूनी तौर पर एक रकम की मांग कर डाली। फिर क्या था, अनिल और उसकी टीम तुरंत मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो अपने संपर्क में लेकर इस पूरी कहानी को बयान कर निर्धारित समय सीमा पर उस महिला को इस काम की रकम दी गई। तभी एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथ उस महिला को पकड़ अपनी गिरफ्त में लिया और कार्रवाई शुरू की, जिसमें महिला के कंप्यूटर से लेकर सारे डेटा को खंगाला गया, जिससे वह अब तक कितने दिनों से यह काम वह महिला कर रही थी इसकी जानकारी मिली। हाँ, मेरा नाम है आनंद दत्ताराम भोसले, मैं भ्रष्टाचार निवारण समिति महाराष्ट्र इसका मुंबई अध्यक्ष पदाधिकारी हूँ, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष पे। ये हमारी मैडम है, मुंबई महिला अध्यक्ष, इनके पास जो हमारे यहाँ की जो इलेक्शन ऑफिसर है इसके खिलाफ तकरार, बहुत सारी तकरारी आ रही थी कि रिश्वत के खिलाफ। उसके लिए मैंने खुद 25 तारीख को, गए महीने के 25 तारीख को आरटीआई मार्फत एक फॉर्म डाला था। उसके अंदर 1995 का मतेरे आदि का कोई लिस्ट मंगाई थी 2002 से 5 से 8 तक। तो उस लिस्ट के बारे में जब मैंने इनको, ये पुरानिक मैडम जो है, जो यहाँ पर इलेक्शन अधिकारी है, उनको मैंने फॉर्म सबमिट किया। उस फॉर्म में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर था। दूसरे दिन इन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपको लीगली 1500 रुपये फीस भरना पड़ेगा और 8000 रुपये एक्स्ट्रा हर यादी के पीछे 8000 एक्स्ट्रा हमारा ऑफिसर लोग का देना पड़ेगा। इस बात पर उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया। 8 दिन के बाद फिर उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपको जल्दी चाहिए तो आप एडवांस पैसा दीजिए आधा, मैं आपका फॉर्म रेडी कर दी। लेकिन पैसे का 8 दिन के अंदर हुआ नहीं। 25 तारीख के अंदर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 25-30 दिन में आरटीआई का फॉर्म देना पड़ता है। परसों मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरा पेपर तैयार हो गया क्या, तो उन्होंने मेरे को बोला ठीक है आपके पेपर रेडी हो गए, लेकिन आप 1500 रुपये फीस के और 8000 रुपये एक्स्ट्रा ऑफिसर लोग के आप लेके आना। उसके हिसाब से मेरे को, हम लोग ने डिस्कस किया हमारे मैडम से। तो इससे जुड़े हुए और कौन से मामले आपको मालूम पड़े हैं कि ये करप्शन हो रहा है यहाँ पर? नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो लेडी के खिलाफ इतने गंभीर है कि अगर कोई भी गरीब महिला भी जाएगी वोटिंग चेंज ऑफ एड्रेस या वोटिंग लिस्ट का जो भी है नेम, उसका पैसा तो उसके बिना पैसा लिए कुछ काम ही नहीं करती। वहाँ पर ऐसे अधिकारी एक ही है कि नीचे के स्टाफ को कुछ नहीं मालूम रहता है, ये महिला पूरा ऑल एंड टोल यही करती है। इनके जो ऊपर के डिप्टी कलेक्टर है पावर करके, उनके नाम का उपयोग करके ये पैसा लेती है। यहाँ पर छानबीन होने के बाद में आपका दूसरा स्टेप क्या होगा? अब यहाँ का दूसरा स्टेप बोलेगा तो इनके जैसे कितने अधिकारी ऐसे हो गए, इलेक्शन हो गए या MMRDA के हो गए या कलेक्टर के जहाँ के हो गए, सब अधिकारी इसी वक्त करते। गरीब लोग को जब कुछ चाहिए, अगर आरटीआई के खिलाफ भी लोग पैसा ले रहे तो बाकी लोग भी पैसा लेते। कार्रवाई तो क्या, गुना दाखिल हो गया, अरेस्ट हो गई है। क्या सरकारी बाबू को सरकार इतने कम तनख्वाह दे रही है कि उन्हें अब जनता के ही जेब में डाका डालना पड़ता है?